अपना इंट्रोडक्शन आपका पूरा नाम पूरा परिचय के साथ। मैं ऑल इंडिया ग्लोबल ऑल मीडिया एंटरटेनमेंट अलायंस फेडरेशन का चेयरमैन और ये फेडरेशन हम लोगों ने आपका नाम इकबाल अख्तर वाला ये फेडरेशन हम लोगों ने शुरुआत की है मैंने और गरीब विधवा वगैरह ने कि जो इस तरीके के मसले होते हैं वो जो वेस्टर्न इंडियन फेडरेशन है उसमें नई सुनवाई होती है इसलिए हमने फेडरेशन को शुरू किया है। अभी क्या मसला है जिससे आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है उसके बारे में अगर बात? अभी मसला ये है कि एक वसीम रिजवी है जो यूपी के हैं और उन्होंने एक इससे पहले एक फिल्म बनाई थी जिसका नाम था राम की जन्मभूमि जिसमें उन्होंने काफ़ी मतलब वायलेंस फैलाने के लिए और इस तरीके की मूवी बनाई थी कि दोबारा से राइट्स वगैरह हो। अब उन्होंने वो फिल्म जब नहीं कर चल सकी या नहीं रिलीज़ हो पाई प्रॉपर उसमें भी काफ़ी सीन्स ऐसे ही थे हिंदू मुस्लिम और शिया सुन्नी के गवर्नमेंट ने भी उसमें काफ़ी लाइन लगाए और काफ़ी सेंसर से भी आउट किए। अब उन्होंने एक नई फिल्म अनाउंस की डिजिटल मीडिया के हिसाब से और उसमें कुछ टीजर्स ऐसे डाले हैं जो बड़े ख़तरनाक हैं और उससे सेंटीमेंट्स जो है रिलीजियस सेंटीमेंट्स को काफ़ी हर्ट कर रहा है और कहीं पर जाकर वो हमारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो वाइफ है हज़रत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला उन पर फिल्म बनाने की कोशिश की है जो एक सरासर गलत है क्योंकि उनके किरदार के अंदर इस दुनिया में दूसरा कोई आ ही नहीं सकता है। तो एक फिल्म इंडस्ट्री की कोई भी एक्ट्रेस उस किरदार को तो वो तो क्या कोई पंचवक्ता नमाजी और परहेजगार होगी ना वो भी हज़रत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला के बराबरी नहीं कर सकती। तो उसने ये बहुत बड़ी जुर्रत की है और दोबारा से वही सेम शिया सुन्नी के बीच एक माहौल क्रिएट करने की कोशिश की है जो आगे जाकर बहुत ख़तरनाक हो सकता है। इसलिए हम लोगों ने कंप्लेंट की ओशिवरा पुलिस स्टेशन में। ओशिवरा पुलिस स्टेशन में उसी वक्त इंटरनेट के जो साइबर क्राइम है वहाँ पर लेटर वगैरह देकर उस टीजर्स को तो बैन कर दिया और उसको हटा दिया है लेकिन हमने अभी मांग की है कि उनके ऊपर FIR लिया जाए जो कई जगहों पर उनके ऊपर FIR हुआ है। सर ये फिल्म का नाम क्या है जो इस फिल्म का नाम ही आयशा रखा हुआ हाँ जो कि गलत कोशिश की आपने नहीं जैसे अगर बात करने से मामला नहीं उनको जब इतनी ये कंट्रोवर्सी हो गई तो उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है कि ये जो टीजर्स है ये मैंने नहीं किया मैंने 13 मिनट का टीजर्स लगाया था और ये 17 मिनट का मुझे 17 मिनट और 13 मिनट के टीजर से कोई लेना देना नहीं मुझे सिर्फ ये है कि आपने हज़रत आयशा सिद्दीका के ऊपर रज़ी अल्लाह तआला के ऊपर अतः हम उनका नाम भी अगर लेते हैं ना तो बड़ी रिस्पेक्ट और इज्जत से लेते हैं कि उनके नाम के आगे हमें रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कहना ही ज़रूरी है। आपने आयशा लिखा कैसे और उनके ऊपर फिल्म बनाने की इतनी बड़ी आपने जुर्रत कैसे की उस किरदार को मतलब वो किरदार का कोई सानी नहीं दूसरा कोई हो ही नहीं सकता तो आपने इतनी बड़ी हरकत कैसे की तो इसका मतलब सरासर आपका यही है कि आप सुन्नियों को ऊपर ला रहे हैं कि भाई आप भी आओ मतलब उनको गुमराह कर रहे हैं या उनको एक तरीके से उंगली कर रहे हैं तो क्या जरूरत है क्या दूसरी फिल्म बनाने के लिए और सब्जेक्ट नहीं है। पहले राम की जन्मभूमि एक कंट्रोवर्शियल अभी हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला के ऊपर क्या है तो फिल्म क्या करना चाहते हैं सर आपने फिल्म देखी क्या फिल्म बिना नहीं टीजर्स है ना मेरे पास टीजर से बहुत कुछ नहीं लेकिन एक चीज समझ लीजिए आप फिल्म कोई भी हो हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला के ऊपर फिल्म नहीं बन सकती। अभी तो हमने पुलिस से मांग की है जरूरत पड़ी तो कोर्ट से भी स्टे लाएंगे और वो फिल्म को बैन करेंगे क्योंकि इससे पहले भी द मैसेज फिल्म जो हॉलीवुड ने बनाया था उसमें भी ऑब्जेक्शन काफ़ी आए थे बैन हुई थी इंडिया में भी बैन हुई थी उसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सिर्फ साया इस्तेमाल किया गया उनको चेहरा मुबारक नहीं दिखाया गया। इन्होंने इतनी बड़ी हरकत कैसे की चाहे शिया हो सुन्नी हो कोई भी मुस्लिम से वो कैसे कर सकता है गैर मुस्लिम नहीं करते ये चीज़ों तो ये कैसे हो सकता है आयशा हो सकता है आयशा किरदार का नाम हो नहीं हमने वो पूरा देख लिया और उनका स्टेटमेंट भी है
मेरे पास उनका स्टेटमेंट भी है। स्क्रिप्ट मिला क्या आपको? स्क्रिप्ट नहीं, उन्होंने मुझे, उन्होंने इंटरव्यू में बोला है कि ये हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला जो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी तीसरी बीवी के ऊपर मैंने फिल्म बनाया, उनका खुद का स्टेटमेंट है, मेरे पास है, यूट्यूब पर है। तो आपने जब उनको नोटिस भेजा था तो उनकी तरफ से कुछ रिप्लाई आया? अभी तक हमने उनको नोटिस नहीं भेजा, अभी हमने काम किया है सर पुलिस स्टेशन से, हम पहले चाहते हैं एफआईआर, उसके बाद में कोर्ट के थ्रू ट्यूजडे तक नोटिस पहुंच जाएगा। सर आप पहली बार भी ये सिलसिला कब शुरू हुआ कंप्लेंट का अगर बात करें? ये कंप्लेंट का शुरू हुआ 4 दिन पहले से। पहले आप बताएंगे कैसे कैसे किसने पहले की और फिर ये पहले तो यूपी से ही शुरू हुई और हैदराबाद से शुरू हुई, उसके बाद में बॉम्बे तक पहुँची। मैं समझता हूँ टाउन में भी कई लोगों ने किया हुआ है, यहाँ पर मुशीरा में भी, मेरे अलावा कई और लोगों ने किया हुआ है। मैं तो एज ए जो बॉलीवुड का जितने भी एसोसिएशन है जो मेरे हाथ में है, मैं एक एज ए चेयरमैन इस पर एक्शन ले रहा हूँ कि बॉलीवुड एक तो क्या है कि इस्लाम में बॉलीवुड हराम, तो एक हराम के अंदर तुम एक और काम कर रहे हो गलत कि हजरत आयशा सिद्दीका का किरदार आप डालकर एक मूवी बना रहे हो, क्यों आपके पास दूसरी सब्जेक्ट नहीं है? तो ये कहीं ना कहीं जाकर शिया सुन्नी और जो अभी माहौल चल रहा है, ये मॉबलिंग चल रहा है या जो भी चल रहा है, ये सब पर कहीं ना कहीं जाकर इसका इफेक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा और ये माहौल खराब होने वाली चीज़ है। तो क्या हम ये माने कि ये पब्लिसिटी के लिए, सस्ती पब्लिसिटी के लिए कर रहे हैं या उन्होंने आज तक यही किया है, लेकिन इसका कहीं ना कहीं जाकर गलत मैसेज तो जा रहा है। आप तो कई लोगों को के रिलीजियस का सेंटीमेंट्स को हट कर रहे हैं, उसके अलावा आप एक अच्छी अच्छे नाम को गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये तो गलत है। अगर आज मेरी माँ बहन के ऊपर अगर कोई गलत इस्तेमाल करता है या हमारे नेताओं के साथ में कोई गलत इस्तेमाल करता है, अभी मूवी बनी थी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, उसके ऊपर भी काफ़ी ऑब्जेक्शन आई थी कि उनका हकीकत क्या बताया था। संजू बाबा के ऊपर आई थी, उसके ऊपर भी आया था कि संजू बाबा का किरदार वो बराबर अदा कर सकता है या नहीं, तो ये कोई किंग पर भी हुआ था सरदार बराबर है, तो ये कोई दुनियावी लोग नहीं है, ये हम ये प्रॉफिट्स के लोग हैं। ओवरऑल होता है सर यही कि फिल्म को बेनिफिट हो जाता है अगर किसी प्रकार की कोई कंट्रोवर्सी तैयार हो जाती है, खड़ी हो जाती है। नहीं नहीं, हम तो ये फिल्म बनने के लास्ट में हम कंट्रोवर्सी होता है और फिल्म को बेनिफिट हो जाता है। नहीं, ये फिल्म जैसे वो राम की जन्मभूमि को भी आगे बढ़ने नहीं दी, गवर्नमेंट ने काफी सपोर्ट किया उसमें और काफी वो चीजें निकाली, वो फिल्म दबके रह गई, ठीक है ना। अब ये फिल्म को भी हम लोग इंशाल्लाह इसको बनने नहीं देंगे और अगर बन गई है तो रिलीज होने नहीं देंगे। इसके लिए अगर कुछ आंदोलन भी करना पड़ा ना तो हम करेंगे। कौन से एसोसिएशन आपके साथ हैं? मेरे पास काफ़ी एसोसिएशन है, अभी नाम तो मुझे नहीं, लेकिन मेरे वेबसाइट पर फेडरेशन मेरे पास है। इम्पा वगैरह को हमारे पास इम्पा वगैरह नहीं होते, हमारे पास जो भीम है, जैसे क्या कहते हैं, लेबर है और मेकअप है, ऐसे सारे सब उसी को फेडरेशन करते हैं, उन्हीं का फेडरेशन। ओके, और पॉलिटिकल नेताओं से कुछ बातचीत की है आपने इस बारे में? नहीं, मैंने पहला काम पुलिस स्टेशन का किया है, क्योंकि अगर मैं कहीं पर भी फ़ोन करता हूँ तो उसका असर गलत जाता है, क्योंकि एक मेरा नाम है पहले से इकबाल अख्तर वाला, एक पूरा ऑरा मेरा अलग है स्टार्ट से, तो कहीं वो जाकर वहाँ इफेक्ट नहीं करे कि थ्रेड का मैं वो कर रहा हूँ। तो मैंने इस तरीके से पहले लीगल ही जो शुरुआत की है वो लीगल से कराऊँ और आगे भी लीगल कोर्ट के थ्रू इस फिल्म को बैन करूँगा। और अगर वो बैन करने से मना कर दे तो आपकी तरफ से क्या एक्शन होगा? नहीं, मैं तो कोर्ट तो उसके ऊपर एक्शन लेगी ना, बिकॉज कोर्ट तो इन चीज़ों को मानती ही नहीं ना, वो तो रिलीजियस सेंटीमेंट्स को हट करने के लिए अलाउ ही नहीं करती है। लॉ तो है ना हमारे पास, तो कैसे हो सकता है? इसके अलावा एक और मूवी है, एक और डायरेक्टर है जिसके ऊपर आप सेकंड कंप्लेंट डालने वाले हैं, डाल दी है? नहीं, मैंने डाल दिया हूँ। क्या है अब ये क्या हो गया कि एक माहौल बन गया पहले से कि गानों के अंदर अरबिक वर्ड इस्तेमाल करना, इससे पहले भी काफ़ी लोगों ने, म्यूजिक डायरेक्टर्स ने और ख़ास करके मैं नाम लूँगा कि हिमेश रेशमिया ने काफ़ी अपने पॉपुलरिटी के लिए इस्लामिक कुरानिक अरबिक वर्ड को इस्तेमाल किया हुआ है गानों के अंदर, इंशाल्लाह माशाल्लाह। अभी हाल ही में संजय लीला भंसाली जी एक फिल्म सलमान खान के साथ में बना रहे हैं जिनका टाइटल है इंशाल्लाह, मैंने उस पर भी अभी कंप्लेंट की है और वो टाइटल इंशाल्लाह मैं जो है वो उनको चेंज करने के लिए लीगल नोटिस भी इशू किया हूँ,
कि आप ये टाइटल इस्तेमाल नहीं कर सकते कोई भी अरबिक वर्ड, चाहे वो समझ लीजिए ना कि मैं सिर्फ अरबिक मुस्लिम्स के लिए नहीं कहता हूँ, कोई भी ऐसा वर्ड हो जो गैर मुस्लिम में भी हो या क्रिश्चियंस में हो या सिख में हो, आप उसको अपनी ज़रूरत के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते, इसलिए कि अब वो इंशाल्लाह वर्ड है, वो उसके आप पोस्टर्स लगाओगे, वो पोस्टर्स फटेंगे, वो अल्लाह का नाम ज़मीनों पर होगा। तो जिनकी इबादत हम करते हैं, जिनके लिए हम पैदा हुए हैं, उनके लिए तो ये सब नहीं करने देंगे। आज अगर कोई भी चीज़ का है कि एक अच्छा नाम है, जैसे और भी रिलीजियस में है, ईसाई अलैहिस्सलाम है, राम है, और भी लोग हैं, तो अगर ये सब सारे नाम अगर ये पैरों के अंदर आते हैं तो ये तो बेहरमती है। लाइक बजरंगी भाई, जो आप गॉड मानते हो, जिनको आप भगवान मानते हो, जिनको आप ये मानते हो, उनको आप पैरों में कैसे ला सकते हो? जिनकी आप इबादत करते हो, जिनसे आप मानते हो, तो आप अपनी ज़रूरत के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते ना इनको, खास करके बॉलीवुड के अंदर। तो ये मैं अभी ये लाऊंगा ही कि बॉलीवुड में आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, जहाँ पर हमारे लिए हराम वर्ड यूज़ किया गया है कि बॉलीवुड हराम, उसमें आप खास करके अरबिक वर्ड इस्तेमाल नहीं कर सकते, उसके लिए कोर्ट हो, कुछ भी हो, वो हम जो भी रास्ता अपनाना पड़ेगा वो अपनाइए। तो सर उसमें सलमान खान सारा है, तो सलमान खान तो देखिए सलमान खान हो, उससे पहले बजरंगी भाईजान के, बजरंगी जो है हिंदू धर्म के हिसाब से वो देखिए वो भी ऑब्जेक्शन लेना ही चाहिए था, बजरंगी जो हनुमान का नाम है, बिल्कुल वो लेना चाहिए था, उस पर भी ऑब्जेक्शन आना चाहिए था, उस वक्त मैं नहीं था। देखिए किसी ने कोई ठेका नहीं लेकर रखा हुआ कि अगर मैं इकबाल अत्तर वाला हूँ तो मैं फलाना नाम यूज कर सकूंगा, तो आप हिंदू के लिए मुस्लिम सबके लिए लड़ेंगे, सबके लिए लड़ूंगा इस तरीके की। मैं बताया ना कि किसी भी तरह की कोई भी सेंटिमेंटल, अगर वो रिलीजियस को सेंटिमेंट करता है तो मैं उसको भावनाओं को ठेस पहुंचाएगा, तो मैं उसके लिए एज ए फेडरेशन खड़ा होगा, जरूरत पड़ी तो एज ए इकबाल अत्तर वाला भी खड़ा होगा। तो सलमान खान को कैसे देखते हैं आप, सलमान खान ने क्यों किया अगर नहीं? देखिए सलमान खान इससे पहले जितनी फिल्में उनकी, उसमें कई गाने उनके भी हैं इंशाल्लाह माशाल्लाह, और वो सब हैं, तो अभी उनको सोचना चाहिए कि भाई मैं क्या कर रहा हूँ और मैं अल्लाह के नाम लेकर नाच रहा हूँ, तो ये उनको सोचना चाहिए ना कि ये आप खुद अपने आप को देखो कि आप क्या कर रहे हो। इससे पहले भी सर ऐसे लोग जब प्रमोट करते हैं इन सब चीज़ों को तो कहीं ना कहीं असर पड़ता है, बिल्कुल असर पड़ता है। ये असर का ये तो ये है, ये आस्ते आस्ते लोगों को मौका मिला है, जो आज ये टाइटल भी इंशाल्लाह आ गया, इसको आप क्या कहेंगे, बीच में खान लोगों को चांस मिलना शुरू हो गया। बीच में खान फैमिली पे उंगली उठी थी कि गणपति रखते थे कि इनको धर्म से निकाल दिया जाए, बीच में काफी दिन पहले की बात हुआ था। हाँ जी, मैं एक बात बताता हूँ, सलमान खान के यहाँ पर सिर्फ सलमान खान, उनकी मम्मी भी है, उनकी बहन भी अर्पिता है, ठीक है ना, उनकी भाभियाँ हैं, वो गैर मुस्लिम है, उन्होंने इस्लाम अपनाया नहीं, तो वो अपना रख सकते हैं, क्योंकि वो उनका वो रिलीजियस वो अपने घर में बिल्कुल इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे सलमान खान के ऊपर कोई भी वो नहीं जाता। लेकिन कुछ लोग हैं जो मजा लेने वाले बीच में, देखिए ये लोगों का काम है। मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि मेरे घर में अगर मेरी वाइफ अगर वो अपना धर्म अपने उसमें यूज कर रही है तो उससे मेरा नाम नहीं आएगा। शाहरुख खान है, अभी गौरी है, तो गौरी अपना वो भी रखती है ना, सब रखते ना, क्यों सलमान खान वाई, सलमान खान के ऊपर ही क्यों उंगलियाँ उठाते हैं? तो कई मौलानाओं ने ऑब्जेक्शन उठाया था और फतवा भी जारी। मैं वही बता रहा हूँ कि आप फतवा जारी करने से पहले कुछ चीज़ों को सोचो, मतलब वो फतवा ऐसा नहीं है, फतवा के लिए बहुत सी चीज़ें होती है जो, और हर कोई फतवा जारी नहीं कर देता है, और अगर आप फतवा जारी करते हो तो उसको पूरी तरीके से उसके भी कुछ फॉर्मेलिटीज है जिसको आपको पूरा करना होगा कि मैंने उठाया फतवा जारी कर दिया, तो क्या फतवा जारी करके क्या किया आपने, उल्टा उनको पब्लिसिटी ही मिलेगी। देखिए हमारे इस्लामिक कानून में सिर्फ यही है कि आपने अगर 3 जुमा की नमाज छोड़ दी तो पहले तो आप इस्लाम से खारिज हो गए, बात ही वहां पर खत्म हो गई, अब आप दोबारा कलमा पढ़ो, दोबारा सुन्नत करो, उसके बाद में आप इस्लाम में आओगे। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, इसको आप फॉलो करते हो क्या? कौन आदमी कौन सा ऐसा इतना बड़ा मुसलमान है जो 3 नमाज जुमा की नहीं छोड़ता है? क्यों फतवा जारी नहीं करते आप लोग? तो सब इससे हट के बात करते हैं, आपने संजय लीला बंसाली के खिलाफ भी कंप्लेंट की, कोई हमेशा सुर्खियों में छाए रहने वाले मार पिटाई, कभी मार खाते हैं जयपुर में, कभी कुछ होता है, राम जाने खुद कराते हैं या कोई करता है, ये देखिए मैं कंट्रोवर्सी क्यों शिकार रहते हैं? हाँ ये लोगों की एक
वो बन जाती है कि इससे पहले इन्होंने वो पिक्चर बनाई थी, क्या नाम उसका, जयपुर में महारानी को कहा, या उसके ऊपर वहाँ पर भी मारपिटाई हुआ था, मारपिटाई हुई थी। अब वो मतलब हर जगह पर कहीं ना कहीं जाकर किसी ना किसी को ठेस पहुँचाना और उसकी पब्लिसिटी लेना। लोग कहते हैं खुद करवाया है, कोई कहते हैं क्या है? वो खुद करवाया होगा तो कोई भी मार, देखिए ऐसा है ना कि मैं अगर एक रिस्पेक्टेबल पर्सन हूँ तो कोई मुझे लाफा मार कर जाएगा ना तो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकूँगा, और मैं अपने आप को किसी से लाफा नहीं खिलवाऊँगा। लेकिन कहीं ना कहीं भावनाओं को ठेस पहुँची है, उन्होंने एक्शन लिया, अब ये नया काम आ गया। अब ऐसा है कि आप हर एक दरवाजा खटखटा रहे हो, अब जाकर आपने मुसलमानों का दरवाजा खटखटा दिया कि भाई इंशाल्लाह कर दिया, तो आज तो आप इंशाल्लाह पे आ गए, वो आयशा पे आ गए, कल